है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास तुमको पता है बट उसकी परसेंटेज नहीं पता है, तो देखो कैसे निकालेंगे। लेट हम कर लेते हैं कि फर्स्ट आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो कितनी है x परसेंट, टोटल मिलाकर 100% होता है, तो सेकंड वाले की कितनी होगी 100 माइनस एक्स परसेंट। क्लियर? अब करना क्या आपको, हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास जो कि आपको दे रखा है 35.5 U। क्लियर? और फर्स्ट आइसोटोप्स का एटॉमिक मास 35 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x परसेंट से यानी x अपॉन में 100, प्लस सेकंड वाले का 37 है और इसकी मल्टीप्लाई हम कंसिडर कर देंगे 100 माइनस एक्स अपॉन में 100। क्लियर? ऐसे करने से आपका क्या होगा, 35.5 को आप ऐसे रहने देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप हो जाएगा 35x अपॉन में 100, और इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3700 माइनस 37x अपॉन में 100। देन आप इनका एलसीएम ले लोगे तो 35.5 इनका एलसीएम आ जाएगा 100 और बाकी